नमस्कार मित्रों, देवियों, सज्जनों, मेरे दोस्तों, फ्रेंड्स और सभी अभिभावकों, सभी शिक्षकों और सभी प्रबुद्ध वरिष्ठ नागरिकों को मेरा नमस्कार है। मैं प्रशांत कुमार आपके समक्ष फिर से दो शब्द कहने जा रहा हूँ, और वो फिर से मेरे एक पसंदीदा विषय को लेकर के, जो एस्ट्रोलॉजी और साइंस के कॉम्बिनेशन से बनता है। फ्रेंड्स, नास्त्रेदमस, एलेन लियो और बाबा वांगा, वरा मिहिर, महर्षि पराशर, टॉलेमी, ये ऐसे कुछ नाम हैं जिन्होंने पूरे विश्व में अपने नाम का डंका बजाया, अपने नाम की शोहरत बजाई। सिर्फ इन्होंने कुछ थ्योरी और कुछ सिद्धांत ही प्रतिपादित नहीं किए, बल्कि कुछ ऐसे सिद्धांतों की भी खोज की और ऐसे कुछ प्रेडिक्शंस वगैरह भी किए जो काफ़ी समय पहले किए गए थे, लेकिन कालांतर में जाते जाते और समय के बीतते बीतते वो सही साबित हुए और सत्यता के बहुत करीब पहुँचे। इवन बहुत सारी उनकी जो प्रोडिक्शंस हुई वो सही भी साबित हुई। तो आइए दोस्तों, मैं कुछ इससे जुड़े हुए कुछ सिद्धांतों को और कुछ चीज़ों को मैं आपसे शेयर करता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत कुमार है। मैं एक और चीज़ से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है और मैं सोचता हूँ कि आपके लिए कौन सा एक अच्छा कंटेंट चुनूँ और एक कौन सा एक अच्छा सब्जेक्ट पे आपके लिए स्पीच दूँ। गाइस, बहुत सारी चीज़ें हैं मित्रों, बहुत सारी चीज़ें हैं संसार में, इतने विषय हैं, अनगिनत विषय हैं, यहाँ तक कि असीमित विषय हैं। भगवान कृष्ण ने खुद गीता में कहा है कि ये असीमित विषयों का क्षेत्र है और कोई भी विषय इसे सीमित क्षेत्र में नहीं बांध सकता है। सोचिए दोस्तों, 5000 6000 साल पहले कही गई बातें आज के दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं और उतनी ही सत्य बैठती हैं जो वर्तमान काल में हमारी जो परिस्थितियां हैं, जो हमारे इर्द गिर्द जो हम माहौल देखते हैं, समाज देखते हैं। तो अपने ब्लॉग के माध्यम से लोगों में चेतना, कॉन्शसनेस एंड कुछ अच्छा मैसेज स्प्रेड करने की कोशिश में करता हूँ। सोचता हूँ कि अगर मेरे तरफ से कोई एक अच्छा मैसेज स्प्रेड हो जाता है या मेरी कोई बात किसी को जच दी जाती है या अच्छी लग जाती है, तो मैं अपने आप को एक खुशनसीब इंसान समझूंगा कि मैंने हाँ कुछ बताया कुछ लोगों को जो मुझे बताना चाहिए था और लोगों को वो जानना चाहिए था। हाँ, मैं समाज और सोसाइटी के लिए कुछ कर सकता हूँ। मैं अपने समाज में फैले कुछ बुराइयों, कुछ कुरीतियों और कुछ चीज़ों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल पारदर्शी दर्पण की भांति बिल्कुल क्लियर कर सकता हूँ और उसे बता सकता हूँ। प्रिय दोस्तों, मैं अपने कई सारे वीडियो में आपसे प्रकाश, उष्मा, तरंग, तरंग दैर्ध्य, घर्षण, इन सब चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ। जब HBSC एटम आया था, यानी कि हिग्स बोसोन एटॉमिक पार्टिकल आया था, तो उस समय एक ऐसे पार्टिकल की संरचना की गई थी और ऐसे पार्टिकल की संकल्पना की गई थी जो ये बताता है कि पदार्थ का एक ऐसा अविभाजितम कण है जो हर एक तरह के द्रव में, हर तरह के पदार्थ में और हर एक तरह के मटेरियल में फाउंड किया जाता है, पाया जाता है। बाद में उसी चल करके उन्होंने, वैज्ञानिकों ने उसे HBSC एटम का नाम दिया। ये हिग्स बोसोन एटॉमिक पार्टिकल जो है वो क्या है? दरअसल दोस्तों, वो एक ईश्वरीय कण है, एक ईश्वरीय पार्टिकल है। अगर हम पदार्थ के एकदम सबसे अविभाजितम कण की तरफ जाए तो वो परमाणु होता है और वह ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। याद रखिए दोस्तों, हमारी जो पूरी समस्त संसार है वह ऊर्जाओं का संग्रह है और ऊर्जा क्षेत्र का एक जबरदस्त घेरा है जिसमें आप साधारण आंखों से नहीं देख सकते। जब तक कि हमारे पास कुछ हाई फाई या कुछ एडवांस लेवल के मशीन्स ना हो, टेक्नोलॉजी ना हो, हम तो इन्हें देख भी नहीं सकते और महसूस भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं है, मैं किसी जादू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी करिश्मे की बात नहीं कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल फैक्ट की।
जो आध्यात्मिक पुरुष होते हैं और जो स्पिरिचुअलिज्म को जानते हैं, महसूस करते हैं और उसमें पारंगत हैं, वो इन चीज़ों को देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, महक सकते हैं और चीज़ों का एनालिसिस कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। एनालिसिस शब्द से मुझे याद आया कि जो आध्यात्मिक पुरुष होते हैं वह किसी बातों को बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं सिचुएशंस का, बहुत अच्छे तरीके से किसी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। इसलिए आज के दौर पर मैं युवाओं से ये आग्रह करना चाहूँगा कि डिप्रेशन के चक्कर में न पड़ करके अपने समय को कुछ समय अध्यात्म में भी देना सीखे और ये उनके लिए बेहतर होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि कुछ नई बातों के साथ, नए विचार के साथ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। और हाँ दोस्तों, मेरे वीडियोस की क्वालिटी दिन पर दिन बढ़ती जाएगी, सब्जेक्ट और विषय बढ़ते चले जाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक मेरे दोस्तों। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपसे YouTube की दुनिया में ऐसा कुछ लेकर के आऊँगा जो आज तक ना तो किसी ने देखा होगा, ना पढ़ा होगा, ना सुना होगा। जी हाँ, मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ और ये मैं चीज़ को दावे के साथ कहता हूँ, मैं चैलेंज लगा के कहता हूँ कि एक दिन मैं ऐसी चीज़ों को लाऊंगा और ऐसी चीज़ों को बताऊंगा जो ना तो कोई सोच सकता है, ना तो कोई देखा होगा, ना तो किसी ने सोचा होगा कि ऐसी चीज़ें आ सकती हैं YouTube पे। सो गाइस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड टैप द बेल आइकन ऑन योर स्क्रीन बिलो। थैंक यू गाइस, नमस्कार मित्रों।